त्रासित स्निग्ध मूर्धज कम्बुकन्धरः महादने दुकूलाग्र्ये परिधायोपवीय च। कहते और कैसे है वे महाराजा का वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, यज्ञ में दीक्षित होकर कार्य संपादन कर रहे हैं। सूक्ष्म वक्त्र वक्र असित स्निग्ध मूर्धज, सूक्ष्म है और वक्र भी है, काले काले रंग के चिकनापन से युक्त जो बाल है, और कंबु कंद कंबुवत त्रिरेखांकिता कंदरायस्य, कंबु के समान तीन रेखाओं से अंकित कंदरा प्रदेश जिसका भूम पर भी, और महाधने दुकूलाग्रे महाधन से संपन्न विशिष्ट वस्त्र को परिधान किए हुए और उपवीय और उत्तरीगिर भी रखे हुए। व्यंजिता शेष गात्र श्री नियमे न्यस्त भूषण कृष्णा जिन धर श्रीमान कुश पाणी कृतोचित। इस समय राजोचित कोई आभूषण को नहीं पहने हुए, यज्ञ में दीक्षित है ना, इस समय कोई राज दरबार में सिंहासन में थोड़ी बैठना है, ये राजा के उचित आभूषण पहनेंगे। यहाँ साधारण धोती है, लेकिन वो भी महाजन है दुकुल आग्रह कह दिया, महाधन से संपन्न है, एक विलक्षण जो है सिल्क से बना हुआ सब कुछ है वो, लेकिन फिर भी ऐसा कोई आभूषण उनके पहने हुए नहीं जिससे कि उनके कवच आदि पहने हुए नहीं है कहने का तात्पर्य। अतएव उनका शरीर के अंग प्रत्यंग की सौंदर्य दिखाई दे रहा है, अभिव्यक्त है अशेष गात्र श्री संपूर्ण शरीर का सौंदर्य। क्यों? नियमे न्यस्त भूषण, यज्ञ रूपी नियम को धारण कर रहे हैं, अतएव भूषणों को त्याग कर बैठे। कृष्णाजिन धर, कृष्णाजिन को धारण किए हुए, और वह श्रीमान पृथु महाराज कुश पाणी, पाणी में जो है कुशों को भी धारण किए हुए हैं, कृतोचित यथोचित कार्यों को संपादन करने के पश्चात, कृतानि उचितानि कर्माणि ये न, उचित जो आरंभिक कर्मों को करने के बाद मध्य काल में कुछ कहने वाले हैं अभी। शिशिर स्निग्धता राक्ष समीक्षत समन्धता ऊचिवान इदम उर्वीश सदा संहर्षयन्निव। शिशिर स्निग्ध ताराक्ष, जिस प्रकार से शिशिरे संताप हरे स्निग्धे, शिशिर तो क्या है, इस समय की जो आप गर्मी अनुभव कर रहे हैं इस संताप को हरण करने वाला होता है शिशिर ऋतु, और उस ऋतु में स्निग्ने चाहता तारयोक्षणी यस्य, स्निग्ध तारा रूपी है आंखें जिसके, ऐसा वह पृथु किस प्रकार से उठ रहे हैं, उर्वीशा सदा सहर्षण संपूर्ण सभा मंडप में रहने वाले समस्त जनता को हर्षित करते हुए के समान इदम ऊचिवान इन वचनों को कहा। कैसे वचन थे वो, उन वचनों का भी वर्णन कर रहे हैं। चारु चित्र पदम श्लक्षणम मृष्टम गूढ़म अविक्लवम सर्वेशम उपकारार्थम तदा अनुवदन निव। कहते कि चारु चित्र पदम बहुत ही सुंदर श्रोत्र प्रिय है, सुनने लायक वचनों को कह रहा है, श्रोत्र इंद्र को किसी को भी बुरा ना लगे ऐसी बातें कह रहा है। चारु चित्र पदम, चित्रानि पदानि अस्मिन्, चित्र विचित्र पद से युक्त है वाक्य जो ऐसी वाक्यावली का प्रयोग कर रहा है। श्लक्षण मधुर है प्रशस्त है, मृष्टम मैंने मधुरम, श्लक्षणम ने प्रशस्तम च शुद्धम च गूढ़म लेकिन गंभीर अर्थ वाला है, अव्याकुलम व्याकुलित नहीं है, आकुल शब्द प्रयोग ने आधा आधा उच्चारण हो गया आधा खा गया किसी सीटें सुनाई नहीं दे रहा है ऐसी बात नहीं है, अनाकुलित शब्द को स्पष्ट शब्द उच्चारण कर रहा है। और सर्वेषां उपकारार्थम
सभी को उपकार करने के लिए है। स्वयं अनुभूतम उत्प्रेक्षणीय, कहीं भी कोई जान कर से प्रशंसा कर रहे हो खुश करने के लिए, ऐसी बात नहीं। अनुवदन इव सभी का उपकार करता हुआ मान स्वानुभव सिद्ध बातों को ही, इसलिए अनुवाद कर रहे हैं। अनुवादन का मतलब क्या, स्वज्ञात पूर्व ज्ञात विषय को दोबारा कथन करना के समान को कथन करना। राजोवाच, राजा प्रतु कहने लगते हैं, क्या मर्यादा थी बोलने में इतनी गंभीर, एक सहस्त्र पृथ्वी का राजा होते हुए अपने से भिन्न जो रहने वाले वहां सभा मंडप में आए हुए हैं, कोई दक्षिणा के लालच से आया हुआ है, कोई धन दौलत अन्य वस्त्रों आदियों के लालच से आया हुआ है, कोई ऐसे यज्ञ है इसलिए हमें जाना चाहिए, अमर कर्तव्य, हम ब्राह्मण हैं, हम यज्ञ में भाग लेंगे, वे कहते हम प्रजा हैं, हमारे पिता कर रहे हैं कि हम जाएंगे। अनेकों भावनाओं से लेकर विविध भावनाओं से आए हुए लोग हैं और हम सबके सामने किस प्रकार से कहता है, देखिए, सभ्या श्रुणुत भद्रम वह साधवो यय आगता सत्सुचिच्छा सुभिर्धर्मम आवेद्यम स्वमनीषितम। ओ सभ्या श्रुणुत, समस्त साधुजन, सभा में उपस्थित गण, आप सब श्रवण करें। वह भद्रम ये आगता, जो यहाँ पर इस यज्ञ मंडप में इस समय पधारे हुए हैं, आप सभी के सभी लोगों का कल्याण हो, बताओ आशीर्वाद दे रहा है। जी ऋषि महर्षि देव ऋषि सब बैठे हुए हैं, कहते आप और हम सब का कल्याण हो, मैंने प्रार्थना है, ये आशीर्वाद नहीं प्रार्थनायाम है। धर्मम आवेद्यम कदि यद्यपि, मैं जानता हूं आप सब के सब धर्मों के मर्मज्ञ, हम आपको क्या धर्म उपदेश देंगे, इन फिर भी प्रजा अनुशासन का एक बहाने से जिज्ञासा पूर्वक मैं इन वचनों का कथन कर रहा हूं, कहीं मैं जो जानता हूं कहीं गलती तो नहीं है, ताकि आप मेरे वचनों को सुनने के बाद मुझे सुधार सकते हैं। एक जिज्ञासा पर कथन कर रहा हूं, यह ना समझे कि राजा के आदेश हो रहा है, यह धर्म आदेश हो रहा है, राजा धर्म की हमें आदेश दे रहा है, धर्म संबंधी उपदेश दे रहा है, ऐसे ना समझे आप। जिज्ञासुभिर धर्मम कर्तव्यम धर्ममेव आवेद्यम नायुष्मान धर्म प्रवचन विधि भाव स्वम अनीशितम अपि अतः स्वमनीषितम इति स्वमनीषया यत् किंचित् गृहीतं तत् सर्वम् आवेद्यम् इति मत्वा जिज्ञासैव आवेद्यम् इति मत्वा अहम् यत् वच्मि तत् सर्वं श्रुणुता। जो मेरे बुद्धि से मैंने जाना है उन सारे चीजों को मैं जिज्ञासा पूर्वक आपके सामने आवेदन करना चाहता हूं, कोई हमने आदेश उपदेश देना नहीं चाहता हूं, उसको आप कृपया श्रवण करें, ये इसने निवेदन किया। या तो स्वम अनिश्चितम अपि, मैं नहीं चाहता हूं कुछ, लेकिन जिज्ञासा पूर्वक मैं जो कुछ भी जानता हूं उसको आपके सामने निवेदन करता हूं, ताकि यदि कहीं मेरी गलती हो, जिसको मैं अधर्म में धर्म की भ्रांति ना हो और धर्म में अधर्म की भ्रांति मैं नहीं कर लिया हूं, तो ये तदर्थ मैं जिज्ञासा पूर्वक कथन कर रहा हूं कि आदेश न समझे, उपदेश न समझे आप लोग। ये भी क्यों, क्या जरूरत है तुमको ऐसे करना, इसीलिए करना पड़ रहा है। अहम दंड धरो राजा प्रजानाम यह योजित रक्षिता वृत्ति स्वेश सेतुषो स्थापिता पृथक, क्योंकि मुझे आप लोगों ने प्रजाओं के प्रति दंड धारण करने के लिए स्वयं नियोजित किया गया है, मैं अपनी मर्जी से राजा तो बना नहीं, आप लोगों के द्वारा मैं आयोजित हूं, नियोजित हूं। अहम
दंड करो राजा केशम प्रति प्रजानाम प्रति, और वाणी यह नियोजित है, मैं आप लोगों के द्वारा नियुक्त किया गया हूं। रक्षिता वृत्तिदः स्वेश से सुस्थापित रख, और मेरा कर्तव्य अपने क्या कहा है, स्वेश से धर्म की मर्यादा जो ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्रों के लिए वर्णानुसारण आश्रमानुसारण जो कुछ विधि विधान किया गया उसका नाम सेतु होता है। सेतुषु स्वेश सेतुषु स्व स्व धर्म की मर्यादाओं में रहने वाले लोगों के प्रति पृथक पृथक स्थापिता जो पृथक पृथक करके स्थापित है उनको तत्त्व वृत्तियों को प्रदान करता और रक्षा करने का दायित्व मेरे ऊपर है। वृत्तिदासन रक्षिता अहम दंड करो प्रजा नाम अस्मि तस्मेत दुष्टानात् यानाहुर् ब्रह्मवादिनः लोकास्य काम संदोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृक्। लेकिन कहते कि देखो क्योंकि ये भी जरूरी था कि मैं प्रजा पालकर नियुक्त हूं और मेरे को यदि धर्म और अधर्म का सम्यक ज्ञान नहीं है मैं प्रजाओं का सम्यक प्रकार से पालन कैसे कर सकता हूं, और प्रजा पालन करने से सम्यक प्रकरण धर्मानुरूपेण प्रजा पालन करने का फल क्या है राजा को, वो फल जो श्रुतियों में कहा गया वो मुझे भी मिले, ये तदर्थ मैं धर्मानुसार प्रजा पालन करना चाहता हूं। इसलिए स्व ज्ञान का एक तरह से परीक्षा की कसौटी पर कसने के लिए मैं आप लोगों के सामने धर्म के उपदेश के समान व्याख्यान करता हूं। जैसे जो है जो पढ़े लिखे हम कहते जो भी पढ़े लिखे हो तुम लोग जरूर पढ़ाना, एक बार कम से कम पढ़ाओ, लोगों को पढ़ाओ, व्याकरण पढ़ाओ, न्याय पढ़ाओ। क्यों कहते हैं हम लोग, कारण ही आपकी अपनी परीक्षा है, आप पढ़ा नहीं रहे हैं, आपकी अपनी परीक्षा है, आपको कितना ज्ञान हो गया। यदि आप सम्यक प्रकार से पढ़े हो समझे हो आप दूसरे जब पढ़ाओगे ना हवा गोल हो जाएगा, वहां पर घबरा जाओगे, अगला एक प्रश्न जैसे पूछेगा पसीना छूट जाएगा, ये तुम नहीं जानते हो तो रटाल वटोल करो, दबाओ डराओ धबकाओ, ये सब होता है ना आजकल आचार्यों में देख ही रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए ना, नहीं जानते तो नहीं जानते बोल दो, सच्चाई स्वीकार करो और मेहनत करो। तो एक घंटा पढ़ाने के लिए शुरू शुरू व्यक्ति को दो दो घंटा मेहनत करना पड़ता है, जब अभ्यास हो गया है परिपक्व ज्ञान वाला है तो एक घंटा पढ़े तो 5 मिनट पुस्तक देख लेगा तो काम चल, जब समय पढ़ा हुआ नहीं तो बहुत हाल खराब होता है। इसे स्व ज्ञान की परीक्षा लेनी है, किसी परीक्षा केंद्र में जगह नकल करके लिख के पास होने से परीक्षा नहीं होती है। आप कितने ज्ञानवान पुरुष हैं, आप कितने पढ़े हैं, ये आपको अपने आप समझ में आएगा जिस तरह पढ़ाओगे, और पढ़ाओ बुद्धू के सामने में नहीं तेज तर्रार खोपड़ी के सामने, ताकि ऐसा कुतर्क जाल में फंसा दे आपको और आप फिर उसके जवाब दे करके उस अभिमन्यु के जैसे निकल पड़े चक्र से, फंसे नहीं पीछे अभिमन्यु फंस गया आपको निकलना है चक्र से, तब माना जाएगा कि हाँ भाई ये पढ़ा है हमने समझा है, तभी समझ में आएगी हमने इस बात को समझ लिया है। उसी पर राजा कह रहे हैं यहाँ पर मुझे तब समझ में आएगा कि मैं वास्तविक धर्म को जानता हूँ और धर्मारूप में प्रजा पालन कर सकता हूँ, यह तब मैं समझूंगा जब आप ऋषि महर्षियों के सामने मैं धर्म के बारे में बोलूंगा और आप उसका समर्थन करेंगे, नहीं हाँ तुम बिल्कुल ठीक जानते हो इसी अनुसार तुम्हें चलना है, ताकि धर्म प्रजा पालन का फल मुझे समय प्रकार से मिल सके, नहीं तो क्या क्या उपद्रव हो वो भी बता रहे। तस्मेत अनुष्ठानात् तस्य अनुष्ठानात् तद अनुष्ठानात् उस धर्म का अनुष्ठान करने से प्रजा पालन रूपी धर्म का अनुष्ठान करने से वह यह जो मैं राजा के प्रति कहते अनुष्ठानात् यान ब्रह्मवादिना जो वेद ब्रह्मवादी से या वेदवादी ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद जो वेदवादियों ने कहा है यान आहु जो फल रूपेण कथन किया है काम संदोहा लोकाहा काम सकल प्रकार की कामनाओं को इच्छाओं को सम्यक प्रकार से दोन कर प्राप्त कराने वाले जो लोक है उन लोगों की प्राप्ति मुझे हो गए यस्य तुष्यति दिष्टदृक् और जिसके द्वारा वह दुष्ट हमारे कर्म को देखने वाला
जानने वाला वह परमात्मा को प्रसन्नता हो, वो धर्मानुसार मैं करना चाहता हूं, जिसके द्वारा वह लोक भी प्राप्त हो और परमात्मा प्रसन्न हो। अतएव मैं आप लोगों के सामने इस धर्म का व्याख्यान कर रहा हूं। और मैंने सुना भी है, यह उत्तरे करं राजा प्रजा धर्मेश वक्षिक्षयन प्रजानां शमलं भुंगते भगंच स्वंच हाति सह। जो राजा जनता से टैक्स प्राप्त कर रहा है, कर को प्राप्त कर रहा है, और राजा उन प्रजाओं का समय प्रकार से जब पालन नहीं करता, समय प्रकार से शिक्षा दीक्षा कर्म आदि का अनुष्ठान करने में, स्व स्व धर्माचरण करने में सहयोग प्रदान नहीं करता, व्यवस्था प्रदान नहीं करता, वह राजा प्रजाओं का पाप का भोगी होगा और साथ साथ अपने सकल पुण्यों का उसका नाश हो जाएगा। आजकल के राजाओं की दुर्दशा होगा, क्योंकि प्रजाओं को वृत्ति प्रदान करने में समर्थ नहीं हुए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, जनता पर धर्म का संपालन नहीं कर पा रही है। जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, जो शूद्र है, जिसको जो कर्तव्य करना चाहिए सो वर्णाश्रम आश्रय ना, वो कर नहीं पा रहे हैं। बेरोजगार का मतलब क्या, उनके वृत्ति का संपादन नहीं हो रहा है। अगर राजा वृत्ति प्रदाता होनी चाहिए, वृत्ति प्रदाता नहीं रह गया और केवल टैक्स ही लूट रहे, नए नए टैक्स और जोड़े जा रहे हैं, इसका नतीजा क्या होगा? ये सब इस जनता के द्वारा, जब आप अपनी वृत्ति का पालन नहीं करोगे तो करोगे क्या? परवृत्ति को ग्रहण करोगे, जो स्वधर्म पालन करने का अवसर नहीं मिलता है, परधर्म का पालन करोगे ही। व्यक्ति को क्या मजबूरी में ईसाई हो जाता है, कोई मुसलमान हो जा रहा है, कोई बौद्ध हो जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है, क्यों होना पड़ रहा है? उसके उसकी जो वृत्ति के अनुरूप व्यवस्था सरकार ने नहीं दिया, राजा ने नहीं दिया, इसे जहां भी व्यवस्था मिल जाए वहीं घुसने की चेष्टा करता है बेचारा। ये क्या हुआ? स्वधर्म को परित्याग करना पड़ा, पराधर्म प्रवेश करना पड़ रहा है, यही क्या है? पाप है। उस पाप का फल कौन भोगेगा? राजा भोगेगा। और साथ साथ उस राजा का अपना जो पुण्य है वह भी खत्म हो जाए। मैं ऐसा होना नहीं चाहता हूं, यही कह रहे पृथु महाराज। यहां पृथु का कहना है, मेरा जीवन ऐसा ना हो, एक व्यर्थ में निवेदन करना है। प्रजा भर्तृपिंडार्थम स्वार्थमेवानसूयव कुरुताधोक्षज धियस्तर्हि मे अनुग्रह कृतः। इतना ही नहीं कहता है, तत् प्रजा भर्तृपिंडार्थम, जो प्रजा अपनी भर्ता राजा का पिंडार्थम का मतलब क्या है यहां पर? पिंड से वो नहीं, पिंडदान नहीं समझने का ना, पिंडदान थोड़ी देना है, पिंडदानार्थम पिंडदान वत परलोक हितार्थम। राजा का भी सदगति होवे, राजा का भी सदगति होवे, इसलिए हम लोगों का प्रजा का भी कर्तव्य क्या है? वो स्व स्व धर्म का सम्यक प्रकार से पालन करें, ब्राह्मण अपना धर्म का पालन करें, क्षत्रिय अपना धर्म का पालन करें, वैश्य अपना धर्म का पालन करें, शूद्र भी अपना धर्म का पालन करें। प्रजा यदि स्वधर्म पालन करने लगती है और राजा स्वधर्म पालन अनुरूप व्यवस्था यदि प्रदान करने सक्षम हो जाता है, तो राजा का ऊर्ध्व लोकों की गति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। तत् प्रजा भर्तृपिंडार्थम, क्योंकि नियम है तीन लोगों को भागी होना पड़ता है वास्तव में, शास्ता, अनुज्ञाता और अनुमोदिता, तीन लोग पाप के भागी होते हैं। किसी व्यक्ति से एक पाप हो रहा है, उस पाप का भागी तीन लोग हैं, जो उसको उस पाप करने की शिक्षा प्रदान किया या उसको प्रेरित किया, दूसरे ने उसको अनुमति दे दिया, कहा ठीक है करो, सम्मति दे रहा है, और चौथा वो है, तीसरा वो है जो उसमें अनुमोदन कर रहा है। अनुज्ञाता स्वीकृति देने वाला, अनुमोदन करने वाला और शिक्षिता, तीन प्रकार के लोग पाप के भागी होते हैं। इसलिए मैं
प्रजा को सम्यक शिक्षा प्रदान करूंगा तो मैं पाप के भागी नहीं होऊंगा। और प्रजाओं के द्वारा किए जाने वाले स्व स्व कर्मों का मैं अनुज्ञाता बनूं तो उसे धर्मानुरूप मेरे को अनुज्ञा देनी है। जैसे आज भी है, कोई काम को करना है सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, और गलत काम के लिए लाइसेंस दे देगी तो पाप को भोगी हो जाएगा। क्यों उसे अनुमति दिया? अनुज्ञा नहीं देनी चाहिए। और रिश्वत लेके अनुमोदन कर देते हैं, है तुम कर दे रहो या कागज कुछ और दिखाओ, करो कुछ और, ये अनुमोदन कर रहे हैं ना रिश्वत लेके आजकल। ये सब राजा लोग, आजकल के राजा पाप के भोगी बनेंगे। ये तीन प्रकार के लोग, इसलिए शिक्षिता, अनुज्ञाता और अनुमोदिता, तीनों के तीनों पाप के भोगी होते हैं। चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, किसी भी वेश में हो, किसी भी स्तर में हो, किसी भी आश्रम में, चाहे ब्रह्मचर्य हो, चाहे गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वानप्रस्थ आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम। यह समझे मैं सन्यासी हो गया तो मैं किसी को पाप करने को कह दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, वो भी लगेगा पाप उसको। आज ब्रह्म ज्ञान नहीं है तब पर्यंत सतर्क रहना ही है, और ब्रह्म ज्ञान की वजह से गलत कामों में जाएगा ही नहीं, वृत्ति नहीं होगी उसका, ऐसी वृत्ति नहीं हो सकती है। और जिसने अनुमोदन किया गया स्वयं कर भी देते हैं लोग तो जेल भी पहुंच चुके हैं, ऐसी बात नहीं है, जेल भी पहुंच गए। इसलिए कहते हैं कि इन चीजों से बचने के लिए तो कह रहा है, वो प्रार्थना करता है, मेरी प्रजा आप लोग जाना किसी भी कारणवश स्वधर्म को परित्याग नहीं करना, नहीं तो मुझे अधोगति हो जाएगा, ऊर्ध्वगति प्राप्त नहीं होगी, मेरी अधोगति हो जाएगी। जैसे मेरी पिंड की रक्षा है तो अर्थात मेरा उत्तरवर्ती लोकों में गति की प्राप्ति है तो स्वर्ग की प्राप्ति है, तो आप प्रजा लोग अपने में स्वार्थमेव अपना अपना जो धर्मानुरूप अर्थ है उसी का पालन करें। वह भी कैसे? अनसूयवसंतः असूया रहित होकर, कोई ईर्ष्या द्वेष न करता हुआ। आजकल ब्राह्मण आदि लोग क्यों अपने धर्म को छोड़ दिया? उन्होंने देखा, ओहो ये तो वैश्य है, बहुत पैसे कमा करके बढ़िया कार में घूम रहा है, मैं क्यों पैदल घूमू, मैं भी अपना कमाऊंगा। आओ, उसने अपना ब्राह्मणत्व को त्याग दिया, भिक्षाचर्य से रहना, यत किंचित वास संतुष्ट होना, ये सब को छोड़ करके मैं क्यों पैदल रहूंगा, अगर मैं भी कार में घूमना चाहता हूँ। वो भी करोड़पति बनेगा, फिर क्या होगा? और फिर ब्राह्मण कहा रह गया, वो तो वैश्य हो गया, ब्राह्मण भी वैश्य हो गया, इसका मतलब वो भी धंधा करेगा, धंधा करके अपना वैश्य बन जाएगा, ब्राह्मण तो खो गया। ये सब क्यों? असूया के कारण से, पर संपत्ति को लेकर के असूया, पर गुण को लेकर के असूया, पर ऐश्वर्य को लेकर के असूया हुई तो व्यक्ति अपना धर्म को परित्याग कर देता है। देखा कोई साधु भाई कार घोड़े में आ रहा है तो हम भी कार घोड़े में जाए, तो फिर तुम्हें भी करना पड़ेगा, 420 सारा काम करो, अपने साधु को त्याग दो, काहे को चक्कर में पड़ना। लेकिन ये स्वधर्म त्याग का कारण क्या है? असूया। इसलिए जान कर संबोधन दे रहा है, अनसूय संतः कुरुता अधोक्षज दिया। इसलिए क्या करना? हमेशा ईश्वर अर्पण बुद्धि से करना, कोई भी कर्म करते हो भगवान को अर्पण कर, किसी भी कर्म का अहंकार मत करो, मैं करता हूं, किसी कर्म का यश की प्राप्ति करने की चेष्टा मत करो, करोगे स्वार्थी हो जाओगे, फिर वही तुम्हारे गड्ढा बन जाएगा। इसलिए कर्म कीजिए, स्वधर्म भी, वह भी कैसे? ईश्वर अर्पण बुद्धि से होनी चाहिए। अधोक्ष जदिहत्तरी मैं अनुग्रह करता हूं, ऐसे करने पर मैं मानूंगा मेरी सारी प्रजा मेरे ऊपर अनुग्रह कर रही है। प्रार्थना का प्रार्थना, विधि का विधान भी कर दिया, निवेदन भी कर रहा है और एक तरह से विधान भी कर रहा है, मेरी प्रजा को ऐसे ही रहना चाहिए, ये अनुशासन है। और अपने से बड़ों से निवेदन भी करता है, देखिए, यूयं तदनुमोदत्तम पितृदेवर्षयो अमलाः कर्तुशास्त्र अनुज्ञातोस्तुल्यं यत्प्रेत्य तत्फलम्। क्योंकि कारण यूयं तदनुमोदत्तम, आप जो है कौन लोग? पितृलोक, देवता लोग, ऋषि लोग, आप सभी अमल विशुद्धं तत्करण वाले लोग, क्या करना? मेरे प्रजा के द्वारा किए जाने वाले स्वधर्म रूप कर्म का ही अनुमोदन करें।
क्योंकि कर्तो चार लोग, कर्ता, शास्ता, अनुज्ञाता और अनुमोदिता। आप अनुमोदन करोगे, आपको भी, आप देवताओं करने वाले को तो मिलेगा ही पुण्य का फल, पुण्य मिलेगा, पाप का फल पाप मिलेगा करने वाले को, और उसको शिक्षा देने वाले को, अनुशास्ता को भी मिलेगा, उसका अनुमोदिता को भी मिलेगा, उसका अनुज्ञाता को स्वीकृति देने वाला। शिक्षा दी एक ने, दूसरे ने स्वीकृति दिया, तीसरे ने सपोर्ट कर दिया, अनुमोदन किया, उनके समर्थन देना, स्वीकृति देना अलग है, साथ में समर्थन देना अलग चीज है। आजकल भी नियम है, कोई भी मीटिंग होता है तो क्या है, एक प्रस्ताव को रखता है, दूसरा उसका अनुमोदन करता है, सब बाद में सभा स्वीकार करती है, है या नहीं? आज की समाज में ये सिद्धांत है। अब लोकसभा क्या सुनते हो, प्रस्ताव रखा गया है, यही तो है, अमुक बिल प्रस्ताव रख दिया गया, फिर चर्चा होगी, अब लोकसभा उसका अनुमोदन करके भेज देती है और राज्यसभा उसको स्वीकृत करके कानून बन जाता है। इसीलिए पहला हो गया शिक्षा प्रदान कर, मैंने प्रस्ताव रखने के समान है, अगले को जो अपने बुद्धि में एक चीज की प्रस्ताव रख दे, तुम्हें ये धर्म करना है, ये धर्म नहीं करना है, और उसके आपने दूसरे ने उसको समर्थन किया, तीसरे ने उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी, वो पुष्ट हो गया, अब वो करने लगेगा। कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है अपनी बुद्धि से पूर्ण रूप निर्णय लेकर करता है, ऐसी बात नहीं है, हर व्यक्ति को पहले कहीं ना कहीं शिक्षा लेनी ही पड़ती है हर चीज, और दूसरों से सलाह भी लेता है, तो अनुमोदन हो गया कि नहीं हो गया, फिर अपने लोगों से स्वीकृति करा लेता है, स्वजनों से, इष्ट मित्रों से पहले चर्चा करके अनुमोदन ले लिया, फिर स्वजनों से स्वीकृति किया, तब जाके कर्म में प्रेरित होता है। अरे यार महात्मा लोग भी है, कुछ भी है, आप भी क्या करते हैं, कोई काम करने की इच्छा हुई तो आप स्वयं सीधे कर देते हो, पहले अपने इष्ट मित्रों में एक दो बार चर्चा कर लेते हैं, भाई कौन क्या कहता है देखा जाए, उचित अनुचित क्या है क्या नहीं समझ में आए, फिर अपने खास जो होगा उससे जरूर पूछ लेगा। इस गृहस्थी में क्या होता है, पति कुछ करना चाहे तो पत्नी वगैरह से सलाह लेगा कि नहीं, पहले बाहर विचार करके देख लेगा, फिर पत्नी को भी कहेगा, फिर पत्नी अपने बच्चे बड़े हों तो उनसे ही बोल देगा, सबकी स्वीकृति होगी तब हाँ भाई चलो आगे बढ़ो फिर काम करो, नहीं तो वही रद्द कर दिया जाता है कार्यक्रम, आगे नहीं बढ़ा जाएगा। ये तो हर जगह व्यवहार में देखने को मिलता है, ये चार स्तर हर जगह है, तीन स्तर तो बाह्य है, एक स्तर स्व में है कर्तृत्व। यत् प्रेत्यतर फलम, और इन चारों को क्या होता है, अपने किए हुए एतार शिक्षण अनुमोदन स्वीकरणम अनुज्ञा और करणम, इन चारों को जैसा उन्होंने यहां किया उसके अनुरूप फल मरने के बाद मिलेगा, इसे कोई संशय नहीं। अस्ति यज्ञ पतिर्नाम, लेकिन शंका हो सकता है हम क्यों यज्ञ आदि करें, कोई भगवान भगवान कुछ है नहीं, वेद ने कहा था, वेद राजा ने कहा था, कोई भगवान नहीं है कुछ नहीं है, मैं ही जो कुछ भी हूँ, राजा ही ईश्वर होता है, इसलिए हम तो प्रथम महाराज आपको हम हवन करेंगे, स्वाहा करेंगे, पृथ्वी स्वाहा कर देंगे, अगर ये स्वाहा नहीं करेंगे हम तो कहते ऐसा नहीं करना, वेन की बात छोड़ दो आप, मेरे उससे भी पूर्वजों को देखो, और ईश्वर है इसे प्रमाण में आपको देता हूं, वो कह रहा है, इसीलिए अस्ति यज्ञ पतिर्नाम केशांचित रसतमाः यहाँ मूत्र चलक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यक्पचिद्रुवः। अस्ति यज्ञ पतिर्नाम ईश्वरो, ईश्वर नाम अस्ति केशांचित मते, कुछ लोग तो खुले आम बोल करके स्वीकार कर रहे हैं ईश्वर है, भले कुछ लोग कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, नास्तिक आज भी समाज के अंदर संसार में बहुत नास्तिक है, अनेक नास्तिक दर्शन भी है जहां ईश्वर नहीं है बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग तो मान रहे हैं ना ईश्वर है, किस आधार पर मान रहे हैं, वो हर सतमा अत्यंत पूज्य सम उच्चतम पुरुष लोग, उच्च अंतकरण वाले, आप लोगों से मेरा निवेदन है केशांचित यज्ञ पितृनाम अस्तित्व चंत है, यह सब प्रमाण क्या है, यह अमूत्र च लक्षन्त है ज्योत्स्नावत्य क्वचित ध्रुव, यह अमूत्र ज्योत्स्नावत्य कांतिमत्यो भो भोग भूमय शर्राणी च, आप क्या देख रहे हैं इस लोक में और परलोकों में, सर्वत्र चेतनवान भोग भूमि शरीर च
छल रहे खुल रहे। इनकी जो है भोग का सुख दुख का आदि की तारतम्यता का कारण कौन है? आप कहोगे इनका कर्म है। जवाब देगा कि कर्मादि नहीं हो सकते, कर्मादि जड़ है। रमण महर्षि जी अपने उपदेश सारे पुस्तक लिखे, पहले श्लोक में लिखते हो कर्म जड़म। कर्म क्या है? जड़ है। कर्तुराज्ञया कर्म किं करो, कहते शुरू में उस ईश्वर की आज्ञा के बिना कर्म क्या करेगा, वो तो जड़ है, वो फल थोड़े दे सकता है। इसे कर्म व्यवस्थापक नहीं हो सकता हमारे सुख दुख के तारतम्यता के प्रति। किंतु व्यवस्थापक कौन है? उस सर्व का पीछे चेतन कोई नित्य तत्व। कर्म तो विनाशी है, व्यवस्थापक कैसे होगा? इन सगर कर्मों के हिसाब किताब को जानने वाला कोई नित्य ईश्वर को मानना ही पड़ेगा। इसलिए कश्चित ध्रुव, कोई नित्य ईश्वर को स्वीकार करना पड़ेगा जो उन सब के कर्मों को जान रहा है और कर्मों को समय समय पर उचित फल प्रदान करने वाला है। और ऐसे मान करके इस संसार का संचालन किसने किया है क्या? तब कहता है देख लीजिए इतिहास को पढ़िए, मनोवृत्तान पाद से ध्रुवस्यापि मही पते है व्रतस्य राजर्षेर अंगस्य अस्मत्पितो पितोः। मनु महाराज हुए, उत्तानपाद हुए, ध्रुव प्रियव्रत, राजर्षि अंग जो मेरे पिता के पिता हैं, वेन के पिता हैं। ईदृशानां मदन्येषां अजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेश्चापि कृत्यम् अस्ति गदाव्रता। ईदृशानाम इस प्रकार के लोग मेरे अपने वंशज, अन्य शाम अभी और अन्य भी जो मेरे पूर्वज नहीं है ऐसे भी राजा लोग इस संसार में हो गए हैं। अजस्य च भवस्य च, और केवल हम ही लोग नहीं, ब्रह्मा जी का, शंकर के द्वारा भी सभी का, प्रहलाद से बलेश्चापे, प्रहलाद का, राजा बलि का, सभी के द्वारा कृत्यम अस्ति गदा कृता। सबने वास्तव में भगवान जो विष्णु का गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु की प्रेरणा से ही अपने अपने कर्मों को कर नाम के यश को प्राप्त कर गए हैं। दवित्रादि मृत्य मृत्यु शोचान धर्म विमोहितान वर्ग स्वर्ग पावर्गानाम प्राये नैकात्य हेतुनाम। दवित्रादि मृत्य मृत्यु, मृत्यु का बेटी का बेटा कौन? जवेन जो था उस एक को छोड़ो। ऐसे लोगों को छोड़िए आप, ऐसे नास्तिकों को छोड़ करके शोचान धर्म विमोहिता। क्यों उनको छोड़ना है? वो सब कैसे हैं? धर्म से विमोहित, धर्म में अधर्म बुद्धि हो गया, अधर्म में धर्म बुद्धि हो गया तो उन लोग वे सब दयनीय लोग हैं, दया के पात्र शोच हैं। उन्हें छोड़कर विदे स्वर्ग वर्ग स्वर्ग अपवर्ग गणाम विवेचन करके देखिए, ये जो वर्गीकरण हुआ, कोई उच्च पैदा हो रहा है, कोई नीच पैदा हो रहा है कि नहीं? एक ही घर में जब एक बहुत स्वस्थ है, एक हमेशा बीमार है, एक ही बाप से पैदा हुआ, वही माँ के गर्भ से निकले हुए, एक हट्टा कट्टा तकड़ा है, दूसरा देखो तो मरा मरा सा दिख रहा है। क्यों, क्या कारण? माँ बाप वही पूजा पाठ कर रहे हैं, ये बच्चा की लालक किया, वो बच्चा की लालक किया, क्या है? कोई नहीं चाहता माता पिता ऐसे, फिर भी ऐसा क्यों पैदा हो रहे हैं? एक बच्चा परम भक्त है भगवान का, दूसरा महाराक्षस है, एक ही घर में देखने को मिल रहा है, भाई भाई में आपस में देखने को मिलता है, बड़ा छोटे को, छोटे बड़े को आपस में कहीं बोलते भी है, क्या कर रहे, पाखंड में डांट रहे। अरे आप ही लोग, इतने लोग यहाँ आ गए हो, आपके भाई बंधु चाचा ताऊ कितने आपको कह रहे होंगे, है बेमतलब बाबा बोलने के चक्कर पड़ गया होगा, है हमने सोचा लड़की भी देख रखा था, छोड़ कर यहाँ क्यों आ गए? कई बात होते हैं, नहीं होते हैं क्या? तो लेकिन देखो विचार करके, विचार करके ये भेद का कारण कौन है? हम नहीं है स्वयं, कोई कर्म नहीं हो सकता, और ऐसे कोई स्वतंत्र व्यक्ति होगा, देवता भी नहीं कर सकते ये भेद को, देवता भी स्वतंत्र नहीं, वो भी जीव है, वो कैसे कर लेंगे?
कोई आप ऐसा ईश्वर व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा जो कर्तव्य अकर्तव्य मानता कर्तव्य समर्थ है, करना न करना विपरीत करने में समर्थ को ईश्वर को माने बिना ये व्यवस्था आप दे नहीं सकते। एक ही घर में पैदा हो एक परम विरक्त हो रहा है परम भोगी हो रहा है कैसे होगा। एक ही संस्कार दिया माता पिता एक ही चीज पढ़ाई एक स्कूल में पढ़ा रहे हैं सभी चीज शुरू से अंत तक एक प्रकार की शिक्षा दिया जा रहा है फिर भी एक को देखो तो परम विरक्त है दूसरा परम भोगी होगा कैसे होगा। ये वैचित्रता का कारण क्या है उसके कर्म की व्यवस्था देने वाला ईश्वरी की कृपा ही कारण है। इसे वर्ग स्वर्ग आप वर्गाना प्रायण एकात्म हेतु कोई एक अंतर्यामी कारण आपको मानना पड़ेगा जो सभी के हृदय में रहकर सभी के कर्मों को जानने वाला सर्वव्यापक परमात्मा को माने बिना ये व्यवस्था नहीं दे सकते आप। वर्गो अत्र त्रिवर्ग स्वर्गो धर्मस्य फलम अपवर्गो मोक्ष तेषाम एकात्म एक रूपेण सर्वानुगतेन हेतुना तत्रापि प्रायेण हेतुना अयम भाव न तावत् जड़ संक्रमण फलदायकः। टीकाकार कहते हैं सबसे इसका तात्पर्य क्या है कर्म जो है ना फलदाता नहीं हो सकता। नचे अर्वाग देवदान छोटे मोटे देवता देवता जितने भी ये क्या कर लेंगे ये तो स्वतंत्र है नहीं। अंतर्यामी श्रुति कह रहा है देवताओं में भी वो बैठा हुआ है करके जो अंतर्यामी श्रुति है बृहदारण्यक उपनिषद में जो देवताओं में भी रहता है लेकिन देवता उसको पहचानते नहीं देवताओं को भी नियमन करने वाला वो अंतर्यामी तुम्हारी आत्मा है ऐसे कर वो ऊपर उपदेश दिया हुआ है। अतः देवता परमात्मा नहीं सिद्ध हो गया देवताओं में सामर्थ्य नहीं है कि कर्म व्यवस्था दे सके तो कर्म साम्य भी नहीं फल तारतम्यता है। कर्म साम्य होने के बावजूद फल में तारतम्यता हो गया क्यों कर्म साम्य है सभी एक कक्षा में पढ़ रहे हैं सभी बराबर शिक्षा प्राप्त किए सभी बराबर पढ़ाई किए मेहनत भी साथ साथ कर दिए लेकिन फिर भी परीक्षा का फल में देखो देखने गोता खा ली और एक ने जो नंबर एक में पास हो गया क्यों होगा। कर्म साम्य कर्म विषम में तो कोई व्यवस्था दे भी दो लेकिन कर्म साम्य होते भी फल में तारतम्यता का कारण कौन होगा। प्रायण सिद्धिश्च भवती इसलिए कहते हैं क्वचित तद असिद्धिश्च भवती अतः स्वातंत्रेण कर्तुम 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 समर्थन परमेश्वरेण भाव्यम इति भाव इसलिए अवश्य आपको परमेश्वर को स्वीकार करने पड़ेगा जो सर्वतंत्र स्वतंत्र है करने न करने विपरीत करने में भी सब कुछ समय पर उचित समय पर किसको कौन से कर्म का फल प्रदान करना है इसको जानकर सब पर कृपा करता कर्म फल प्रदान कर करने वाला ईश्वर को मानना ही होगा। इसलिए आप ईश्वर बुद्धि अर्पण बुद्धिया से कर्म की पूर्वानुमति करना है अतएव ईश्वर नहीं है ना समझिए ईश्वर अर्पण बुद्धि से सकल कर्मों को करनी चाहिए। यत् पाद सेवा विरुचित तपस्विनाम अशेष जन्मोपचितम मलंधिय सद्य क्षिणोत्यन्वह मेधति सदि यथा पदांगुष्ट विनिश्रुधा सरित जैसे पैर के अंगूठे से विनिश्रुत गंगा माता अत्यंत पवित्र है ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की चरण की सेवा कर ले यत् पाद सेवा भिरुचि भगवान की चरण सेवा में जो भक्ति कर लिया अभिरुचि रख लिया है यस्य पादयो सेवायाम अभिरुचि ऐसे तपस्वी नाम संसार तप्ता नाम संसार में जो तप्त जो तपस्वी लोग हैं उन लोगों के द्वारा अशेष जन भी समृद्धम अशेष जन्मों के द्वारा अनंत जन्मों के द्वारा प्राप्त होने वाला भी जो आपके अंदर विद्यमान मल है उस मल को परमात्मा क्या करते हैं नाश कर देते हैं। अनंत जन्म का भी मल क्यों ना हो आप अपने यह तपस्या का तात्पर्य यह नहीं कि जंगल में चला गया लंगोटी पहन के बैठ गया बर्फ के ऊपर यह नहीं है। स्वधर्म आचरण से बढ़कर कोई तप नहीं है। हमने श्लोक लिखा है भी है ना गीता जी के पढ़ाते वक्त स्वधर्म का आचरण ही तप है। लोग कई लोग आते हैं पूछते महाराज मेरे से भजन नहीं होता मेरे से ध्यान नहीं होता। अरे ना हो जाए भांड में ध्यान भजन
अरे तुम्हारे द्वारा तुम्हारा अपना कर्म हो रहा क्या देख लो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा अपना कर्म क्या है समझो, वो कर्म तुमसे हो रहा क्या, तो उसे बढ़कर कोई और भजन नहीं, उसे बढ़कर कोई ध्यान नहीं, उसे बढ़कर कोई समाधि नहीं। आप क्षत्रिय हैं, आपने कर्म समझिए और वो कर्म आप कीजिए। आप वैश्य हैं और वो कर्म आपके द्वारा होना चाहिए, नित्य नैमित्तिक कर्म। आप समझे आपका काम क्या, व्यापार करना है, वैश्य का व्यापार करना, समाज में जाए चीजों का समय प्रकार से वितरण करना, और से प्राप्त धन में से कुछ ऐसा राजा को दिया, कुछ ऐसा दान दिया, कुछ ऐसा ही किया, वो जो व्यवस्था है वो अपना कर्म करो। और नित्य नियमित जो कर्म है, जनो चोटी है तो संध्या वंदन पूजा पाठ जो करना है, इतना तुमसे समय प्रकार से हो रहा है, जैसा बड़ी और तपस्या कुछ नहीं है। और ये वैश्य कर क्षत्रिय काम करना पड़ जाए वो गड़बड़, और क्षत्रिय को वैश्य काम करना पड़ जाए वो गड़बड़, वो गलत काम। यदि वैश्य कर वैश्य कर्म कर रहे हैं, ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का कर्म कर रहे हैं, इससे बड़ा और कोई तप नहीं संसार। स्वामी जी सन्यासी नहीं बन सकता सर? सन्यासी तो कोई भी हो सकता है, संगम त्यक्त्वा फलम चैव, संग और फल को त्याग दो, सन्यासी हो जाए किसी वेश में रहे। आप सन्यासी तात्पर्य लेते वस्त्र पहनना, हाँ कोई भी कर सकता है। इसलिए कारण जो स्वकर्म का फलाशक्ति और संग आसक्ति, फल और आसक्ति, इन दोनों की आकांक्षा को छोड़ दे आप। मैं अमुक कर्म का करता हूं ये भावना त्याग दो, और अमुक कर्म फल मुझे मिले ये त्याग दीजिए, वो सन्यासी हो गया। तो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सभी सन्यासी हो सकते हैं। जब विधि के द्वारा इस वस्त्र को ग्रहण करने वाली बात आती है, वहां अधिकार नहीं। आश्रम में धर्म पालन करता हुआ आप सन्यासी है, लेकिन मैं मुख्य है संग त्याग फल त्याग, यही कमजोरी है। जो भी कर्म कर रहा है उस कर्म में उसको आसक्ति है, यह कर्म यह फल की आकांक्षा है। और चाहे मेरे नाम प्लेट लग जाए दुनिया भर, लंबी चौड़ी बोर्ड लग जाए, अजी आकांक्षा भर गई। क्या साधु हो आप, जो जो तथागत साधु समझ रहे हैं आप, वो साधु लोग भी क्या है, सारे दीवार पर पोत रहे अपने नाम लिखा नहीं रहे क्या, कोई दीवार नहीं बचा जहां पर जो है उनका नाम नहीं लिखा हो। ये नाम के भूखे हैं, हाँ लेटरिन टॉयलेट बाथरूम कुछ भी बन जाए उसमें नाम टंग जाएगा, वहां हम की प्रेरणा से अपना नाम डाल देंगे। दिया किसने पैसा, काम किया किसी ने और अपना नाम जरूर ठोक दिया जाएगा, मेरी प्रेरणा से, अमुक महाराज की प्रेरणा से, अमुक भक्त ने अमुक के संस्मृति में दे दिया है और बनवाया है, अगर पत्थर लगा दिया जाए बस, तो अपना नाम आ गया ना वो इम्पोर्टेंट है, वो सेठ का नाम से लेन देन नहीं उनको। तो इसलिए समस्या क्या होता है यहाँ पर, ये जो कर्म फल की आकांक्षा है, यश की आकांक्षा है, नाम की आकांक्षा है, कर्म फल की दृष्ट फल की आकांक्षा है। लोग कहे वाह वाह मेरी वाह वाह करे, और कई लोग तो आश्रमों में उत्सव इसलिए ही मनाते हैं कि आए भगत जगत और अन्य महात्मा सबको बुलाते, क्यों बुलाते हैं, इसलिए कि वो मेरी प्रशंसा कर, ये जो प्रशंसा ना करे उनके प्रवचन में उसको अगले बार बुलाएंगे ही नहीं। कहें तो उसको बुलाया था पिछले बार, दो तीन बार देख लिया बुला करके, और तो मेरी प्रशंसा ही नहीं किया, आपने वेदांत पक पक करके चला गया, उसको क्या बुलाना है, छोड़ो बुलाते नहीं वो, क्यों उनकी प्रशंसा नहीं हुई, मैंने उत्सव मना ही रहे हैं अपना गुणगान कराने के लिए, बताओ है या नहीं आकांक्षा है। ये जो फल की प्रत्यक्ष फल की आकांक्षा है, तो जिस व्यक्ति के अंदर अदृष्ट फल की आकांक्षा नहीं होगी, क्या प्रमाण है उसके अंदर अदृष्ट फल की आकांक्षा नहीं है। जो व्यक्ति दृष्ट फल की आकांक्षा कर रहा है, निश्चित रूप से उसके पेट के अंदर अदृष्ट फल की आकांक्षा है, ऐसे व्यक्ति सन्यासी कैसे होगा, वस्त्र पहने से थोड़े हो जाएगा वो सन्यासी, वस्त्र पहन लो उसे क्या फर्क पड़ना है, विधि भाव ब्राह्मण हो तो मिल जाएगा सन्यास, क्षत्रिय हो तो शुद्ध भी अपना ब्राह्मण बोल के सन्यास ले रहे, उससे क्या फर्क पड़ना है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। जब तक फलाकांक्षा येष्णात्रय का त्याग नहीं हुआ, तो आचार्य शंकर स्पष्ट सब जगह लिखते हैं जिसके अंदर येष्णात्रय का त्याग नहीं वो सन्यासी हो ही नहीं सकता, चाहे जो भी वस्त्र पहन लो, किसी भी संप्रदाय में चले जाओ कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। येष्णात्रय का त्याग ही सन्यास का मूल बीज है, और तो कहीं भी रहते हुए हो सकता है,
ये तो केवल वस्त्र की व्यवस्था इसलिए बन गया, का संन्यास आश्रम व्यवस्था इसलिए बन गया, जो एक सामाजिक दबाव पड़ता है उस दबाव से बचने के लिए डेंजर फ्लैग लगा लिया। ये डेंजर फ्लैग है, कोई देख करके हमें देख करके काम आश्रम के अंदर मन में न चल जाए, नहीं तो हो जाता है ना, नौजवान है सुंदर है अटल अटल लड़का है, धोती धोती पहन के घूम रहा है सफेद धोती, तो उसके मन में आ सकता है ये अच्छा लड़का है मेरे लायक, तो मुश्किल हो जाएगा ना। किसी के मन में काम वासना न जगे, एक धरती वस्त्र पहन लिया, कोई बाप सोचता है मेरी बेटी के लायक है, बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, इसलिए अच्छा है लाल पहन लिया। ये तक रक्षा कवच है, ये विधि जो है संन्यास विधि एक रक्षा कवच है, लेकिन इस विधि मात्र से हम सन्यासी हो गए ये नहीं। जब तक आपके पेट के अंदर रेशनाएं हैं तब तक आप सन्यासी हैं, और रेशना त्याग कर चुके हो किसी भी वेश में रहो आप सन्यासी हैं। यानी विधि विधान का नियम अलग चीज है, सन्यास एक अलग चीज, बार बार गीता जी इस पर विचार करते हमने प्रकट किया इन बातों को। संन्यास जो विधान है वो अलग चीज है, विधि पालन करना है तो विधि के अनुसार फिर सब कुछ नियम पालन करना पड़ेगा। और वास्तविक संन्यास की बात जा करते, पारमार्थिक संन्यास की बात जो कहें भाषा कर रही है, इसलिए पारमार्थिक संन्यास बार बार कहते पारमार्थिक संन्यास, वो एक अलग चीज है। हाँ, और जो प्रातिभाषिक संन्यास है या व्यावहारिक संन्यास, प्रातिभाषिक संन्यास तो बिल्कुल गलत है, वो तो ढोंग है, वो गलती है, बिल्कुल नर्क का रास्ता है। और जो व्यावहारिक संन्यास ले रहे वो विधि विधान के अधीन है, और ब्राह्मण को ही संन्यास का अधिकार है, क्षत्रिय वैश्य को संन्यास का अधिकार नहीं है।